पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तुम छुप छुप के कहां जा रही हो? ऋषि भाई जल्दी चलो जाओ। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि लक्ष्मी की कोई गलती नहीं है। जो उसने किया वो बिल्कुल ठीक किया, इसलिए मैं यहाँ खड़ा होकर लक्ष्मी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा और नहीं सुन सकता मैं। लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। तो इस लायक भी नहीं हूं कि आपसे माफी मांग सकूं, but I'm sorry जो पहले I'm sorry मैं आपसे मिलने नहीं आया। I'm sorry। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। जैसे ही मैंने ऋषि भाई को सब कुछ बताया कि रोहन और पारो के बारे में कि क्या हुआ है, तो ऋषि भाई पीछे के दरवाजे से भागे और मैं भी उनके पीछे भागी। मेरा मतलब है आयुष उनके पीछे भागा तो मैं भी भागी। और फिर मैंने देखा कि ऋषि भाई आयुष के साथ कार में है और उनके साथ वो बिंदिया भी थी और कोई लेडी भी थी। एक और लेडी? हाँ, लक्ष्मी। लक्ष्मी? लक्ष्मी? लक्ष्मी कैसे हो सकती है? मेरा मतलब है अगर वो होती तो घर में आती ना। ये बेवकूफ अनुष्का बात कर रही है लक्ष्मी टीचर की। इसे आइडिया ही नहीं है कि दादी अपनी लक्ष्मी की बात कर रही है। अरे अगर ऐसा ही था तो मुझे लेके जाता ना ऋषि साथ में। ठीक है, पारो लक्ष्मी की बेटी है लेकिन रोहन मेरा बेटा है ना, तो मुझे क्यों नहीं लेके गया वो? लक्ष्मी पारो की माँ, अब
तुम्हारी माँ कहाँ है? किरण कहाँ गई? ओ नो, ये मॉम शायद नीलम मॉम के कमरे में गई है। ओ गॉड, गलत टाइम पर गलत ड्रामे होने हैं। आर यू सीरियस? ये क्या कह रही हो तुम किरण? हाँ नीलम, मैं सच बोल रही हूँ। और उस पारो के साथ हमारा रोहन भी गया है। ये पारो, ये लड़की ना हमें कभी पसंद नहीं आई। हमें पता था इसकी वजह से कभी ना कभी प्रॉब्लम जरूर होगी, और देखो हो गई। अभी क्या हुआ करिश्मा? वो लड़की पारो है ना, वो रोहन के साथ कहीं चली गई है। अरे नीलम ने जरा सा डांट क्या दिया? इनफैक्ट हमारा जो ड्राइवर राम है ना, उसने उन दोनों को ऑटो में जाते हुए देखा है। What? Oh my God! लेकिन वो दोनों ऑटो में क्यों गए? ऑटो? हम लोग ऑटो में सफर नहीं करते हैं। ये जो पारो है ना, ये रोहन को भी ना लो स्टैंडर्ड सिखा देगी, अपने जैसा बना देगी। भाभी लेकिन आप किसे कॉल कर रही हैं? करिश्मा हम ऋषि को कॉल कर रहे हैं, और बात स्टैंडर्ड्स की नहीं है। रोहन गया है पारो के साथ और अब तक घर नहीं लौटा है। हमें बहुत चिंता हो रही है। रिंग जा रही है। हाँ मॉम। ऋषि मिला रोहन? नहीं मॉम, मिला नहीं है रोहन अभी तक, हम उसे ही ढूंढ रहे। और वो पारो के घर पे भी नहीं है। पारो और रोहन कहीं चले गए, गॉड नोस कहाँ गए, क्यों गए, कुछ पता नहीं है। गॉड नोस क्यों, क्या तुम्हारी वजह से गए? सिर्फ तुम्हारी वजह से ऋषि। तुमसे कितनी बार कहा हमने, उस लड़की को घर में मत आने दो। लेकिन हमेशा की तरह हमारी बात तो सुनते ही नहीं होना तुम। अब देख लिया, I'm sure वो लड़की ही उसे कहीं लेकर गई है, रोहन उसी के साथ कहीं गया। जरा सा डांट क्या दिया हमने, इस तरह रिएक्ट कर रही है वो। मॉम आपको पहली बार पारो को डांटना ही नहीं चाहिए था। ऋषि अब तुम ना उसकी साइड मत लो। तुम रोहन को ढूंढो और उसे वापस घर लेकर आओ जल्दी, समझे? कहाँ हो तुम? मॉम हम पुलिस स्टेशन के पास में ही हैं, जैसे कुछ पता चलता है आपको अपडेट करता हूँ। तुम रोहन को लेकर आओ, उसके बाद ही तुमसे कोई बात करेंगे हम। ओके। लड़की ये पारो ना, इसका कुछ करना पड़ेगा। अब हमें ही संभालना पड़ेगा, बहुत हो गया इसका। उसे क्यों कह रही हो? वो तो बच्ची है, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप हमें कह रही हैं? हाँ तुम ही से कह रही हूँ। वजह पारो नहीं है, जो आज रोहन घर पर नहीं है, और ऋषि भी नहीं है। वजह तुम खुद हो नीलम, तुम खुद हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। बैंकर, अच्छी लग रही है। So, all set for the Simant Puja? Simant. सीख लिया अपनी टीच से बोलना? सीख लिया मतलब क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे आता नहीं है? अरे अच्छे से जानता हूँ सीमंत पूजा, इसको सीमंत बोलते हैं, सीमेंट नहीं, और सीमंत का मतलब भी जानता हूँ। तुम बताओ, हाँ क्या मतलब होता है सीमंत का? हाँ, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अपनी बाउंड्री में। बाउंड्री, एग्जैक्टली, सीमंत का मतलब बाउंड्री होता है, अच्छे से जानता हूँ, समझी? एनीवे ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए ना एक गुड न्यूज है, ये देखो। अरे सीसीटीवी फुटेज से उस इंसान के स्नैपशॉट्स मिल गए, जो मेरा डिटेक्टिव है ना, इसकी पूरी कुंडली निकाल के रहेगा। क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए ना एक और सरप्राइज है, अपनी आंखें बंद करो। यही सरप्राइज काफी है मेरे लिए, बस ये पकड़। आंखें बंद करो। अरे लेकिन ये एहसास की जो जुबान बन गए। क्या कर रहे हैं आप? अरे तुमसे कहा ना चुप रहो, सरप्राइज है। एहसास की मंत का मतलब जानती हो, सरप्राइज का नहीं जानती? बन गए दिल में मेरे, मेहमान बन गए आ।
क्या कहे आप हमारी जान बन गए। कैसी है? आप हमारी जान क्या मतलब? बन गए। उस दिन तुमने मराठी कपड़े नहीं लाए और वो अजीब सी टोपी भी दी थी तुमने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ले। आप वैसे भी मैंने आगे महाराष्ट्र में देखा है सारी लेडीज ना पाँव में ये पहनती, इसे मैंने सोचा तुम भी। इसे क्या कहते हैं इसको? उसने बताया था कुछ बिच्छू, बिच्छू बिच्छू बिच्छिया। हाँ हाँ बिच्छिया ही सही। और मैंने तुम्हारी मॉम को भी पहनते हुए देखा, इसे मैंने सोचा कि अगर तुम सॉरी शेकी जरूर काम होगा। शादीशुदा होते पहनते ये रस्म भी पति पत्नी के बीच ही होती। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जहां जी जी आप जहां भी जाते हैं रौनक ले आते हैं। हाय दिलदार जी, थैंक यू जी, थैंक यू। इज्जत देना तो कोई आप से सीखे। निमी बेटे होते हैं घर के दीपक और बेटियां तो होती हैं बिजली का बल्ब। जो घर ही नहीं जिंदगी भी रोशन करती है, हैं? है ना? ये लो। ससुर के नाम की जमीन होने का भरती है ये दम, तिनका भर ही सही कुछ तो नाम कर जाते इनके कम से कम। पैसे वाले लोग अपने आप ही करते हैं अपने सजदे, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं बड़े ही सस्ते। इसलिए तो तुम्हारी बहन मेरे बेटे से शादी कर रही है। भवानी जी, वैसे तो आप हैं अमृता की माँ, लेकिन लगती है उसकी सहेली। मुझे तो ये पहेली, आखिर कब तक लूटेंगी आप अपनी बेटी की कमाई की थैली? अरे मस्ती मजाक चल रहा है, इसने भी तो कुछ अच्छा नहीं बोला ना। अच्छा है ना? हाँ, लेकिन अकल से कम तो नहीं है। विराट कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। देखा यहाँ सब चिल्ड आउट है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? रिलैक्स। अरे राजा आम पन्ना का क्या हुआ? लाओ सब में बांटो। जी मैम। भवानी अब तेरी बारी, तू ना पहले ये आम पना एक बार में गटक ले और उसके बाद ना तो किसी के लिए बोलना कुछ चटपटा, कुछ एकदम मीठा खट्टा मीठा है। खट्टा मीठा नहीं कड़वा सुनाएगी ये, आफ्टर ऑल सच तो कड़वा ही होता है ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। राजपुत्र क्या हुआ?
पता नहीं पापा, कुछ समझ नहीं आ रहा। जितना मैं कस के पकड़ने की कोशिश करूं, रेत की तरह सब सब छूटता जा रहा है। पापा, मेरी बच्ची जेल में है। कल से मेरे परिवार के पास ये घर नहीं होगा रहने के लिए। हमारे ऊपर इतना बड़ा कर्जा है। मैं सब अच्छे से ठीक करना चाहती हूँ, पर कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ पापा। ना ना ना, तो तू अकेली नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा बाप तेरे साथ में है। अरे हम सब तेरे साथ में है। ऐसे हिम्मत नहीं छोड़नी। तो खुद ही कहती है ना कि हम सब साथ में हैं तो सब ठीक कर लेंगे। तो तुझे हिम्मत रखनी है। हाँ, हिम्मत तो रख रही हूँ पापा। सब ठीक करना चाहती हूँ, पर कुछ ठीक हो नहीं रहा है। पता नहीं मैं क्या गलत कर रही हूँ। कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्यों नहीं हो रहा। पुत्र, रब है ना, रब पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। अरे हमारे अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। हाँ मतलब तू ठीक है ना तो हम सब भी ठीक रहेंगे। तू तो जानती है तुझ में हमारी जान है, जान बसती है तुझ में। पुत्र तू ही ऐसे कमजोर पड़ जाएगी, तू ही ऐसे टूट जाएगी तो हमारा क्या होगा। पुत्र तुझे सब संभालना है, संभालना है अपने आप को। पुत्र हमारे लिए संभालना है। बोल, संभालेगी ना अपने आप को? संभालेगी ना, हिम्मत रखेगी ना? बोल पुत्र। हिम्मत रखूंगी। आप सही कह रहे हो, मैं ही तो हिम्मत हूँ ना, आपकी माँ की, बुआ जी की, पूरे परिवार की मैं हिम्मत हूँ। और मैं कभी नहीं हारूंगी। मैं हूँ आपके लिए हमेशा। बस पापा आप ना ये माँ को, बुआ जी को, घर पे किसी को मत बताना कि मैं ऐसे रो पड़ी तो वो भी टूट जाएगी। उन्हें भी बुरा लगेगा ना ये सुन के कि मैं टूट गई। आप कुछ नहीं बोलेंगे, प्रॉमिस? उन्हें कुछ मत बोलना, मैं ठीक हूँ। देखिए मैं ठीक हूँ, नहीं बोलेंगे ना? हाँ पुत्र, प्रॉमिस। पुत्र मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा मैं। हाँ तो हिम्मत रख। नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी मासी, पर प्लीज आप ऐसे रोइएगा मत। चल पुत्र चल। अरे ठीक हूँ पुत्र। मैं ठीक हूँ पापा। नहीं 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 पुत्र, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे आराम की जरूरत है। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं पुत्र, नहीं चलो। चल चल चल, कोई टेंशन नहीं लेनी, घर जाके आराम करना। जानती हूँ कि आप सबको पैसों की जरूरत है, आप तो बहुत मुसीबत में, इसीलिए तो अपनी बेटी का इस्तेमाल किया पैसे लाने के लिए। अब माँ ने कहा होगा ना बेटी को कि जा अपने अमीर ससुराल से जाके पैसे चुरा ला। बेटी ने असली नोट नकली नोटों से बदल दी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। हेलो मोहन, तू अभी तक सो रही है? हाँ दी। हाँ का क्या मतलब है? डोंट टेल मी तू अभी तक सो रही है, फिर तू यहाँ कब आएगी यार? आऊंगी दी, आराम से। फिलहाल तो मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। सपना देख रही थी मैं कि मैं और आरवी साथ में डांस करें, पर अभी भी वो मेरे सामने ही है। आरवी वहाँ है? मोहन तेरे घर पे आरवी? हाँ, पर अभी भी वो मुझे ही देख रहा है। Are you serious? आरवी तेरे घर पे? नहीं दी, obviously यहाँ नहीं। फोटो है उसकी, पर वो हमेशा ऐसे ही मेरे घर पर होता है, मेरे साथ। तू ना दीवानी हो गई है, आरवी के पीछे ना पागल हुई पड़ी है तू। वो तो हूँ, मैं तो उसके प्यार में हमेशा से पागल थी, पर अब उसे बनाना है अपने प्यार में पागल। लिसन, अगर तेरी प्रेम कहानी खत्म हो गई हो तो मुझे बता दे यहाँ पर कब आने वाली है, मैं वेट कर रही हूँ यार तेरा। आऊंगी यार आराम से, फिलहाल तो मैं कुछ और ही सोच रही हूँ। क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ जाके पूर्वी से मिलाऊं। मोन आर यू मैड? पूर्वी से क्यों मिलना है तुझे? क्या जरूरत पड़ी है अब उससे मिलने की? अरे चिंता हो रही है मुझे उसकी, मैं तो रात भर आरवी के प्यारे प्यारे सपने देखे, जाके देखूं तो कि वो आंखें बंद कर पाए भी है या नहीं। अच्छा सुन, बेकार है, बाद में बात करती हूँ तुझसे, वरना हजार सवाल पूछेगा। किससे बात हो रही थी? अपनी बहन से। तुम्हें मेरी लाइफ का हर गॉसिप जानना है ना? वेरी क्यूट। तुम कहाँ जा रहे हो वेक? क्यों, क्या हो गया?
आज के दिन तुम मत जाओ ना, देख रहे हो ना घर पे कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अरे यार तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, दादी की तबीयत अब पहले से बेटर है और माँ है ना उनका ख्याल रखने के लिए। मैं ऑफिस की डील वगैरह देख लेता हूँ यार, कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तो आरवी मुझसे अपसेट हो जाएगा। तुमसे क्यों अपसेट होगा आरवी? अरे यार मुंबई के सारे बिजनेस की जिम्मेदारी मुझ पे है। और भी कुछ याद है तुम्हें या नहीं? मतलब बिजनेस की जिम्मेदारियां हैं विक, पर और भी कोई जिम्मेदारी है तुम्हारी जिंदगी में, ये याद है या नहीं? मतलब भूल गए हो तुम कि तुम्हारी एक बीवी भी है विक? यार मुझे याद है, मेरी तो एक ही बीवी है। नॉट फनी विक, मेरे लिए भी जिम्मेदारी है तुम्हारी, याद है या भूल गए? मैंने क्या पूरा नहीं किया तुम्हारे लिए बताओ। ओह अच्छा, सब छोड़ो एक बात बताओ, आखिरी बार तुम और मैं शॉपिंग के लिए फॉलोड बाय डिनर कब गए थे? क्या क्या देख रहे हो तुम? हूँ मैं तुम्हारी दीवानी, पर अब तुम्हें बनाना, क्योंकि अब तो कोई रुकावट भी नहीं है हम दोनों के बीच, जो थी वो तो गई। तो आओ ना जल्दी वापस, आई मिस यू और आई प्रॉमिस इस बार मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। आई मेक श्योर कि तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम, और वो हो मोनिश, और वो पूर्वी, उसका तो नाम और निशान मिटा दूंगी हमेशा हमेशा के लिए, और तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो मैं हूं ही ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। दादी और करण को तो तुम ट्रीट कर ही रही हो, मुझे ना एक सवाल का जवाब और चाहिए। मुझे खाली इतना बताओ कि अब तुम और क्या क्या करने वाली हो? मतलब मैं समझी नहीं। समझी नहीं? समझी नहीं या समझना नहीं चाहती? बोलो ना। कोई बात नहीं, तुम नहीं समझी ना तो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें पूरा एलैबोरेट करके समझाती हूँ। ये घर, दादी, करण, इन सबके लिए तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? तुम्हें क्यों सबकी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है? बोलो ना। ये मेरी दादी सास है, करण मेरा हस्बैंड है, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? तुम यहाँ एक डॉक्टर की ड्यूटी करने आई हो ना, राइट? तो डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर घर में आता है, पेशेंट को देखता है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देता है, ट्रीटमेंट देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो बता के चला जाता है। Am I right? है ना? तुम क्या कर रही हो ये बताओ मुझे। क्या कर रही हो मेरे घर में, क्या कर रही हो तुम? तुम डॉक्टर की ड्यूटी करने आई हो तो दो मुझे इंस्ट्रक्शंस, दो मुझे प्रिस्क्रिप्शंस, बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर उसके बाद यहाँ से चली जाओ ना। जस्ट लीव। नहीं, बट तुम यहाँ पे मेरे हस्बैंड की देखभाल कर रही हो, वो सब कर रही हो जो उसकी वाइफ को करना चाहिए। क्यों कर रही हो तुम ये सब? पल करण को टाइम पे मेडिसिन देनी है ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए, और दादी को रोज लॉन में लेकर जाना है, वॉक कराना है, उनकी थेरेपी करनी है, रोज एक्सरसाइज करनी है ताकि उनकी हेल्थ मेंटेन रहे, और दोनों को मेडिसिन टाइम पे देनी है, एक भी मेडिसिन मिस नहीं होनी चाहिए। फाइन, परफेक्ट, ये सब मैं आराम से कर सकती हूँ, तो तुम्हारी अब इस घर में कोई जरूरत नहीं है, यू मे लीव। अभी तो मैंने तुम्हें कहा था निधि, चली जाती मैं यहाँ से अगर दादी और करण की बात नहीं होती तो। पहले तो सिर्फ दादी की बात थी, अब तो करण की भी हालत ठीक नहीं है, और मैंने तुम्हें कहा कि एज अ डॉक्टर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होगा अगर मैं इस हालत में दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी तो मैं फिलहाल यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं दोनों का ख्याल रखूँगी, और अब तो मैं शौर्य का भी ख्याल रखूँगी। बेचारा बच्चा कब से लॉकअप में बंद है, जब तक बाहर नहीं आ जाता मुझे तो चैन नहीं आएगा, कुछ भी करके मुझे उसे जेल से भी छुड़वाना है। ओह वन सेकंड, अब तुम्हें मेरी दादी सास और मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरा शौर्य भी चाहिए, तुम उसकी भी मां बनना चाहती हो? हाँ, तो मेरा ही बेटा है। यू सी, नाउ यू सी, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं ये बोल रही थी अब इसको शौर्य पे भी अपना हक चाहिए। मतलब मैंने उसे अपना बेटा कहा है तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं कहा, अगर मैंने अपने आप को उसकी माँ माना है तो माँ के सारे फर्ज भी निभाऊंगी। वो
बेचारा लॉकअप में बंद है, अभी तक बाहर नहीं आया है। किसी को कुछ चिंता नहीं है क्या? मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगी और उसे बाहर लेकर आऊंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तुम्हारा राजवीर से क्या रिश्ता है? राजवीर तुम्हें बिजनेस में डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ये बात तुम जानते थे? क्या राजवीर का अंशुमन पांडे से कोई कनेक्शन हो सकता है? तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम्हारा जो राजवीर है ना, वो मेरे लिए काम करता है। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मीठी मीठी डांट तेरी याद है मुझे, से तेरी थाप याद है मुझे। माँ मेरी तू मेरा जन्नत जहाँ, माँ मेरी तू मेरा। हाँ प्लीज, अपने दिल पर कुछ मत लेना, बिल्कुल बुरा मत मानना। अंदर जो कुछ भी हुआ ना, जो कुछ भी कहा गया, बस सब भूल जाना। क्या हुआ? अरे जी मॉम ने आपसे बहुत बुरे तरीके से बात की, बहुत हार्शली बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा। I'm really sorry. उनकी तरफ से I'm really sorry. अरे इतनी छोटी सी है और अपनी मॉम के लिए मुझे सॉरी कह रही है। कितना प्यार करती है मुझसे, कितना ख्याल है मेरा। पागल, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि बेटी अपनी माँ के लिए परेशान हो रही हो। आपको मुझ में बेटी दिखाई देती है ना, तो मुझे भी आप में एक प्यारी सी माँ नजर आती है। तो अगर मेरी माँ से कोई इस तरीके से बात करेगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ही ना। कितनी स्वीट है तू, I love you so much। लेकिन मुझे कोई बुरा बुरा नहीं लगा, देख मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं समझती हूँ ना, निधि की भी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। शौर्य लॉकअप में है तो इस सिचुएशन में उसका भी क्या हाल हो रहा होगा। तो मैंने तो कोई बात दिल पर लगाई ही नहीं, मुझे किसी बात का बुरा ही नहीं लगा। एक माँ के टूटे हुए दिल की बात का क्या बुरा लगाना। माँ और ममता को समझती हूँ ना मैं। आपका दिल कितना बड़ा है। तेरा दिल उससे भी ज्यादा बड़ा, सच में मेरी चिंता कर रही है। मेरे बारे में मत सोच, तू अपनी मॉम के बारे में सोच। मैं जानती हूँ कि थोड़ी हार्श हो गई निधि और ऐसा उल्टा सीट, लेकिन वो हालात ऐसे है ना, इसलिए वो हालात है जिन्होंने उसके अंदर ऐसी कड़वाहट भरती है, तो उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा वो क्या बोल रही है, क्या कर रही है। हाँ तो तू उल्टा अपनी माँ को जाकर संभाल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो खुद को खुद संभाल लेंगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं, अभी उसे तेरी जरूरत है। और तेरी माँ कभी बुरी हो सकती है क्या? जिसने इतनी प्यारी बेटी को जन्म दिया, वो माँ तो कभी बुरी हो ही नहीं सकती। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे ये ससुरी यहाँ कैसे आ गई? ऐसे तो कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती। हवा खाने थोड़ी आई है, ज्ञान के लिए आई है। अब जेलो इस कलमुही को। हैप्पी मदर्स डे। आप लोगों क्या है ना, जेलने की आदत पड़ गई है। कल को कोई भी आ जाएगा सोसाइटी में, डाकू चोर लुटेरा सबको जेलना। एक सिंपल सी बात आप लोग को समझ में नहीं आती, जानवी की सच्चाई जानने के बावजूद आप लोग कैसे इस बिंदियाई माँ को मदर्स डे पे बुला सकते हैं? अरे हमारी सोसाइटी की कोई मान मर्यादा इज्जत कुछ है कि नहीं है? है ना? हाँ। फिर आज यहाँ बहुत सारे गेम्स है जान,
सबसे पहले सभी माओ के लिए मुझे कल चेयर होगा, आप भी जाओ। चलो। रुको, तुम इस फंक्शन में नहीं जा सकती। अरे पर क्यों, जान भी तो आपकी तेरा माँ में। हम कैसे मान लें कि वो माँ है? ना मांग में सिंदूर ना पति का ता पता, इतना सब कुछ जानने के बाद तुझे फंक्शन में भाग लेने दे। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, समझी? तुम्हारे बेटे की वजह से हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? ना बाबा ना, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा, इन दोनों से जितना दूर रहो उतना अच्छा। जना होगा तूने इस बच्चे को, पर हमारी नजरों में तू सही मायने में मां नहीं है। कुछ नहीं बेटा, आप टेंशन मत लो, मैं इन्हें अभी समझाती हूँ, ठीक है? आप तब तक वहां जाइए। कम से कम मेरे बच्चे के सामने। देखिए मैं आप सबसे विनती करें, सिर्फ आज के लिए मुझे और मेरे बच्चे को इस फंक्शन को अटेंड कर लेने दीजिए। आपको पता है मेरा बच्चा कल से उत्सुक है, उतावला इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। उसने कल रात से मेरे लिए कविता अपने दिल से लिखी हुई है, जो वो स्टेज पे पढ़ना चाहता है मेरे लिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए, एक छोटे से बच्चे के खातिर। मुझे नहीं पता आप लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप मुझसे जो कुछ कहेंगे मैं सब सुन लूंगी। पर प्लीज प्लीज मेरे बच्चे की खुशियों को मुरझाने मत दीजिए। देखिए प्लीज, सिर्फ आज के लिए। अगर इतनी फिक्र है ना, तो साबित करो कि ये बच्चा जायज है। करो साबित, करो ना। जानवी जोशी, क्या हुआ? फुल वॉल्यूम से सीधा म्यूट। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। क्या यार बोली। आर्या, मैंने बाकी स्टाफ को दूसरे कामों में बिजी रखा है, लेकिन वो सब फिनिश करके आते ही होंगे। मिला कुछ? अरे कुछ नहीं मिला यार, सबके लैपटॉप मेल बॉक्स ड्रॉअर सब चेक कर लिए, कहीं ना कुछ भी नहीं है। बस एक जानवी का लैपटॉप रह गया, वो मुझे चेक करना है। लेकिन उसमें क्या मिलेगा भाई? अरे पर यार मुझे चेक तो करना है ना। आर्या उस पे खुद पे हमला हुआ था, तूने तो बचाया था उसे। आई नो, मुझे मालूम है, पर चेक करना बनता है। ठीक है चल। कुछ भी नहीं है इसमें। मुरली ये देख, बा को जिस दिन गोली लगी थी उसी दिन का रिसीट है। देख मिट्टी के बर्तनों का। जहां तक मुझे याद है उस दिन पार्टी में कोई भी मिट्टी का बर्तन नहीं था, और ना ही होटल में कोई ऐसा इवेंट था जहां पे मिट्टी का बर्तन यूज हुआ। ये रिसिप्ट, मैं तेरे को कह रहा हूं ना, दाल में कुछ काला है। ये जानवी लग तो रहा है, पर जानवी ऐसा क्यों करेगी? यही बात ना, सीधा सीधा इससे पूछूंगा और जवाब निकलवा के रहूंगा। देखता हूं उसकी शराफत के पीछे शैतान छुपा या नहीं। देखिए आप लोग इनके बहकावे में मत आइए, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। बस आज मेरे बच्चे को अटेंड कर लेने दीजिए। एक बच्चे के बारे में सोचिए, एक माँ होते हुए सोचिए। अरे हम तुझे अपनी सोसाइटी में रहने दे रहे हैं, उसका शुक्र मना, ज्यादा फैलो मत। और हाँ ये क्या,
फंक्शन अटेंड करने दो, फंक्शन अटेंड करने दो, चल जाए यहाँ से। बड़ी आई, तुमसे अकलमंद तो तुम्हारा बच्चा है, खिसक लिया, अब तुम भी पीछे पीछे चली जाओ उसके। क्या क्या जाओ, हाँ हाँ जाओ यहाँ से, चलो जाओ जाओ जाओ। अरे खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से निकलो। हाँ यही है, अपनी सबको निकाल दूंगा मैं, सर्टिफिकेट पिता को कोई तंग नहीं करेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर तुम चाहते हो कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए तो तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, जितनी जल्दी प्रायश्चित करोगे उतनी जल्दी दादी ठीक हो जाएगी। ओके बेटा, प्रायश्चित। तीर एकदम निशाने पे लगा है, पहले ये नीचे आएगा फिर सीधा ऊपर जाएगा। अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया ना पापा तो दादी ठीक नहीं होंगी। मैंने दादी को चोट पहुंचाई ना, मैं बहुत बैड बॉय बन गया, इसलिए मुझे यहाँ से कूदना पड़ेगा। नहीं शिव, तूने कुछ नहीं किया बेटा, देख तेरी भागुमा तेरे सामने अच्छी खासी खड़ी है, हमें कुछ नहीं हुआ, नीचे आ जा। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, आ जाओ नीचे, आ जाओ। नहीं दादी, मैं बैड बॉय हूँ, मैंने आपको धक्का दिया ना, आप तो भोलेनाथ के पास जा सकती थी और मुझे भोलेनाथ से माफी चाहिए। अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं ना तो हमें खुद को भी चोट पहुंचानी चाहिए, नहीं तो भोलेनाथ माफ नहीं करते। की बातें डॉक्टर शिव के दिमाग में अपने आप नहीं आ सकती, पक्का है नहीं किसी ने सिखाया। डॉक्टर शिव, हमें दादी के पास जाना होगा, डॉक्टर को दिखाना है ना, लेकिन आप यहीं रहिएगा, यहां से कहीं मत जाइएगा, हम सभी आते हैं। शिव बेटा, क्या कर दिया तुमने बेटा, तुमने दादी को धक्का दिया। बैड, वेरी बैड। वो मैंने धक्का नहीं दिया, वो माँ आ गई। शिव बेटा, पर गलती तो हुई ना तुमसे, इन्हीं हाथों से धक्का दिया तुमने दादी को, बहुत बुरा किया तुमने बेटा। ऐसे कोई बड़ों को धक्का देते हैं क्या, और दादी तो तुमसे कितना प्यार करती है, तुमने इतनी बड़ी गलती की, भोलेनाथ को बहुत बुरा लग रहा होगा। अपना तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित वो क्या होता है? बेटा प्रायश्चित मतलब अगर तुम्हारी वजह से किसी को चोट लगे तो तुम्हें भी अपने आप को चोट पहुंचाना चाहिए, उसे प्रायश्चित कहते हैं, तब भोलेनाथ तुम्हें माफ कर देंगे। जैसे मैं जब छोटी थी ना तो फ्रेंड का पेन मैंने लेके ना तोड़ दिया था, तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि मैं अपना पेन भी वैसे ही तोड़ दूं, तो मैंने तोड़ दिया, तो भोलेनाथ ने मुझे माफ कर दिया। तो अगर तुम चाहते हो कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए तो तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। चाची जी, डॉक्टर साहब आ गए। देखो बेटा, मुझे जाना होगा, अगर तुम चाहते हो कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए तो तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, जितनी जल्दी प्रायश्चित करोगे उतनी जल्दी दादी ठीक हो जाएगी। ओके बेटा, प्रायश्चित। तीर एकदम निशाने पे लगा है, पहले ये नीचे आएगा फिर सीधा ऊपर जाएगा।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ ने अपनी जिंदगी में कभी और किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाई है और ना कभी पहुंचाएंगी, और इस बात को हम साबित करके रहेंगे। अब माँ की आत्मा ही मंदिर आंटी के सारे कारनामों का पर्दाफाश करेगी। डॉक्टर शिव, अगर आपको कुछ हो गया ना तो आपका परिवार जीते जी मर जाएगा। इसलिए आपको हमेशा सेफ रहना है, हमेशा केयरफुल रहना, अपने आप को अच्छे से रखना, समझे आप? नंदु भैया। जी भाभी। डॉक्टर शिव को अपने कमरे में ले जाइए। ओके। जाइए। चलो भैया। चलो भैया। सुंदरी दीदी, डॉक्टर शिव के लिए दूध ले जाइए। ये सब क्या हो रहा है शक्ति? हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन हमें सब समझ में आ रहा दादी। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब करवाया जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब? एक ही है ना पापा जी, जिससे इस घर में कलेश पैदा करना अच्छा लगता है, और वो है ये मंदिरा आंटी। यहां जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इनकी वजह से हो रहा है। अगर आज डॉक्टर शिव को कुछ भी हो जाता तो भोलेनाथ की कसम हम आपको छोड़ते नहीं, उसी छत से आपको फेंक देते। घूम फिर के हर इंसिडेंट की जिम्मेदार तुम मुझे क्यों ठहराती हो? तुम्हारा बस चले ना तो तुम आंधी तूफान की भी जिम्मेदारी मुझे पर रखोगी, लेकिन इस घर में जो आंधी जो तूफान आता है वो सब आप करती है। हमें पूरा यकीन है कि डॉक्टर शिव जो छत पे चढ़े, दादी जो गिरी, इन सब के पीछे आप ही का हाथ है। शक्ति बेटा, मैं जानता हूं मंदिरा ने हजारों गलतियां की हैं, पर हम सब ने ये देखा कि शिव ने मां को धक्का दिया था। और फिर खुद ही छत पे चला गया। ये काम मंदिरा का नहीं है, ये सब गायत्री की आत्मा कर रही है, उसी वजह से सब हो रहा है। पापा जी, माँ ने अपनी जिंदगी में कभी और किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाई है और ना कभी पहुंचाएंगी, और इस बात को हम साबित करके रहेंगे। अब माँ की आत्मा ही मंदिर आंटी के सारे कारनामों का पर्दाफाश करेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। आपको पता है मारा नीता में सेफ क्यों है? क्योंकि तभी राधा मोहन साथ थे, और जब राधा मोहन साथ होते हैं तो हिट होते हैं। हम तो फैमिली है, प्लीज वापस आ जाओ ना रामा।
खुशियों की धड़कन तो सुन, माँ का दिल है पुकारी। मेरी मम्मा तो मुझे छोड़ के चली गई, अब क्या तुम भी चली जाओगी? मेरे सहारे खुशियों की धड़कन तो सुन, माँ का दिल है पुकारी, दिल है पुकारी। लग जाए मेरी उम्र, रहना सदा मुस्कुराती, सांसें मेरी सोचती, लम्हे गुजारे। तो क्या तुम मेरी यशोदा हो? नन्हे से प्यारे खुशियों की धड़कन तो सुन, माँ का दिल है पुकारे, दिल है पुकारे। रामा प्लीज वापस आ जाओ ना, रामा वापस आ जाओ ना। आप वापस आना चाहती हो? आप हमें कितना मिस करती हो? आप पापा से कितना प्यार करती हो, है ना? करती हो ना? मैं जानता हूँ राधा मुझसे प्यार करती है, मना करती है क्योंकि नाराज है वो मुझसे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब उसे सच कहना होगा, उसे कहना होगा कि वो मुझसे प्यार करती है, नहीं रह सकती वो मेरे बिना। मोहन भैया रुकिए, वो भी आप नहीं रह सकते राधा के साथ। मोहन, मोहन मेरी बात सुनो, रुक जाओ मोहन प्लीज। मोहन भैया रुकिए, मोहन रुक जाओ प्लीज। मोहन भैया रुकिए ना प्लीज, बोलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। आज आपको सच बताना होगा, आप पापा से प्यार करती हो ना? बोलो ना रामा, पापा से प्यार करती हो कि नहीं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। उस इंसान को, उस दुनिया को मैं बहुत साल पहले ही पीछे छोड़ कर आई हूँ बुनकुर। अब मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। रामा आप ही क्या बोल रही हूँ, आप पापा से प्यार करती हो ना? ये झूठ है। नहीं गुनगुन, जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी मानो, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ गुनगुन, बहुत प्यार। पर ये भी सच है बेटा, अब मैं और तुम साथ नहीं रह सकते। तुम्हारी वो राधा जिसे तुम मां मानती थी ना, वो 7 साल पहले ही कहीं खो चुकी है गुनगुन। पर तुम्हारे साथ मैंने जितने भी अच्छे पल गुजारे हैं ना, अपने दिल में से संजो कर रखूंगी, ऐसे पकड़ कर रखूंगी। मुझे जिंदगी भर याद रहेगा गुनगुन। ये मेरी एक बहुत प्यारी बेटी भी है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। पर अफसोस, मैं उस बेटी के साथ अब कभी रह नहीं सकती। नहीं, मैं नहीं रह सकती गुनगुन। नहीं, नहीं। और
तुम इस सच को जितनी जल्दी अपना रहे हो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्मी बस कीजिए, इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? चुप! अपनी अम्मी को थप्पड़ खाते हुए देखते रहे तब तुम्हारी गैरत नहीं जाएगी। अरे तुम तो मेरा खून हो ना। इस लड़की के लिए मैं तुम्हें तड़पता हुआ देख सकती हूँ सुबह, लेकिन तुम्हारा निकाह मन्नत के साथ नहीं होगा, ये मेरा आखिरी फैसला। कौन सा आखिरी फैसला? तुम होती कौन हो फैसला सुनाने वाली? मैं हूँ सुभान की अम्मी और मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, रिश्ते में भी और उम्र में भी बड़ी हूँ तुमसे, मेरा तजुर्बा बड़ा है। सुभान की नानी हूँ, मन्नत की दादी हूँ, इस घर की बड़ी हूँ और अभी जिंदा हूँ। मर जाऊंगी ना तो बेशक अपने फैसले लेना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला चलेगा और मेरा ये हुक्म है कि सुभान और मन्नत का निकाह होकर रहेगा। नहीं होकर रहेगा। आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लें अम्मी, लेकिन मन्नत और सुभान का निकाह नहीं होगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। होगा तुम्हारा फैसला, अहमियत कौन देता है? यहाँ पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, मेरी भी जिद है, सुभान और मन्नत का निकाह होकर रहेगा, चाहे तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये निकाह मुकम्मल क्यों ना करना पड़े। कायनात बीबी मत भूलो, तुम बाकायदा तुम्हारा निकाह करके तुम्हें इस घर से रुखसत कर चुकी हूँ मैं। इस वक्त तुम मेरे घर के छत के नीचे खड़ी हो, जिस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अगर तुम्हें कोई एतराज है उठाओ अपना सामान और निकलो मेरे घर से। मगर मेरे नवासे के साथ मेरी पोती का निकाह होकर रहेगा। ठीक है हिना बेगम, मुबारक हो आपको आपका घर, आपका नवासा और आपकी पोती। जिस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं है, उस घर में मैं एक लम्हा नहीं रुकूंगी। शौक से कर लीजिए आप सुभान और मन्नत। अम्मी, सुभान, कोई नहीं जाएगा उस लड़ाकू को समझाने के लिए, इससे अब सिर्फ मैं बात करूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर हम इबादत की गलतियां देख रहे हैं तो मन्नत ने जो किया उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि फरहान के साथ आधी रात को घर से बाहर जाकर मन्नत ने भी गलती की है। उसे इतनी बड़ी सजा दी क्या? नहीं ना। और ये मत भूल कि फरहान से
मन्नत को बचा कर लाने वाली इबादत ही है और मैं इस बात की गवाह हूँ। मेरी बहन को बर्बाद करना चाह रहा था ना, सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं मैंने, तेरे सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया है, अब क्या करेगा तू? हाँ, इबादत तेरी तरबियत के साए में बड़ी हुई है। दुआ उसने गलती इसलिए नहीं की कि वो गजल की बेटी है, उससे गलती इसलिए हो गई क्योंकि वो नादान है। और बच्चों से तो नादानियां होती ही है ना, तो एक बार इबादत को गजल की बेटी नहीं अपनी बेटी समझकर सोच। उसे तेरी तरबियत मिली है, तेरी तरबियत के साए में वो बड़ी हुई है, वो तो किसी गैर का भी बुरा नहीं जा सकती। फिर मन्नत तो उसकी अपनी बहन है, वो मर जाएगी लेकिन मन्नत के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगी। दुआ, उस बच्ची ने तेरे सीने से लगने के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए खुदा से बहुत दुआएं मांगी हैं, पर अब जब उसे तेरी तवज्जो नसीब हो रही है तो ये गलती की वजह से उसे गैर मत कर। रुक जाओ, रुक, आगे नहीं बढ़ेगा। रुको, भीत मत मांगो इबादत, तुम मेरे हैदर भाई की बेटी हो, मेरा अभिमान हो इबादत। मैं अपनी जान गवा सकता हूँ मगर अपनी भतीजी का मान सम्मान नहीं गवा सकता। बुड्ढे तू तो गया, यही बात है, इस घटिया गलीच और कमीने इंसान के पाँव में नाक रगड़ने वाली है। तो आजा मेरी मन्नो की बू, आगे मेरे कदमों में अपनी नाक रगड़, आजा। नहीं इबादत, इबादत नहीं, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।